क्या हुआ जब एक मुस्लिम ने हनुमान मंदिर में पढ़ी नमाज, फिर जो हुआ उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, देर किस बात की, तभी तो यहाँ आपको सच्चे भक्तों से जुड़ी हुई कहानियां सुनने को मिल पाएगी। दोस्तों, खेरागढ़ नामक गांव में शोएब नाम का एक मुस्लिम व्यक्ति रहता था। शोएब ने बचपन से ही अपने दोस्तों, अपने अध्यापकों से काफी हनुमान जी के किस्से और कहानियों का सुना था, जिससे शोएब की आस्था हनुमान जी को लेकर काफी प्रबल हो गई थी। हर मंगलवार मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। एक दिन जब शोएब हनुमान मंदिर में चालीसा का पाठ कर रहा था, तब वह श्रद्धा से इतना लीन हो गया कि उसे पता ही नहीं चला शोएब के नमाज पढ़ने का समय हो गया था। तब शोएब ने हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद अपनी नमाज पढ़ना शुरू किया। तभी शोएब को वहां से कुछ लोगों ने मंदिर में नमाज पढ़ते हुए देख लिया और उसी समय वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ने खूब आपत्ति जाहिर की। लोगों ने शोएब को बहुत बुरा भला कहा और मंदिर की आस्था भंग करने का आरोप लगाया। कुछ लोगों ने शोएब को गांव से निकालने का प्रयास किया। तब यहां कई सारे बंदरों ने शोएब को चारों ओर से घेर लिया और बंदरों ने शोएब की ओर बढ़ते हुए लोगों को रोका। और वहां के पुजारी ने भी सभी को यही बताया, वह व्यक्ति हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ करने आता है। शोएब के दिल में हनुमान जी के प्रति आस्था ही है, ये सारे वानर इसकी रक्षा के लिए यहां आए हैं। लोग ये देखकर आश्चर्यचकित थे। तब शोएब बोला, हनुमान जी जितने आपके हैं उतने मेरे भी। उसे देख गांव वालों ने शोएब को गले से लगाया। वह सब ने एक साथ हनुमान चालीसा का पाठ किया। आशा है दोस्तों आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।